यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो हमारे पेपर नंबर 1 की जो है वो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम डेली जो है वो 20 क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है कौन सा? रिसर्च का, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी जो है वो 2 लेक्चर जो है वो लगा चुके हैं। तो आज की अपनी रिविजन सीरीज के अंदर हम लोग जो है वो रिसर्च के नए 20 क्वेश्चन को जो है वो क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं हमारा नए क्वेश्चंस हमारे। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे रिवीजन सीरीज में, और 19 मैं यहां करवाऊंगा, एक आपका होमवर्क रहेगा जैसा कि हम करते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है वो है ये, बोलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्वे रिसर्च, जब आप सर्वे रिसर्च करते हैं द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन इनटू सर्टेन ऑर्डर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या करना है, आपको सेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताने की करेक्ट ऑर्डर जो है वो कौन सा है। तो देखिएगा, जब कभी आप सर्वे रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है वो क्या करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया, इस सैंपल के बेस पर जो है आप क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन करने के बाद अब आप इस डेटा को जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके इस डेटा से निकालते हैं कुछ इन्फ्रेंसिस, कुछ रिजल्ट निकालने का काम करते हैं। तो यह आएगा नंबर 4 पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस आपकी बनती है वो है बी। कौन सा? बी। तो जब हम सर्वे रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिसको अपने को जो है फॉलो करना होता है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन आज का जो है वो है ये, सिनेक्यूनोन असेंशियल एलिमेंट। ये सिनेक्यूनोन को बोलते हैं हम लोग क्या, असेंशियल एलिमेंट। एक अच्छी रिसर्च का जो असेंशियल एलिमेंट है वो क्या होता है? अच्छी रिसर्च का सबसे मेन एलिमेंट ये है कि आपने जो हाइपोथीसिस, जिस चीज को रिसर्च के अंदर आपने टेस्ट करना है, वो किस तरीके से आपने जो है उसको फॉर्मुलेट किया, ए वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथीसिस। तो ये एक अच्छी रिसर्च का जो है वो क्या है, एक रिक्विजिट है। गुड रिसर्च का जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है। नंबर 3, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन स्पेशल। बात हाइपोथेसिस जब भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टेट करते हैं। देखो, हम लोग जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले अपने को जब हम वेरिएबल सेट करते हैं और हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, तो हाइपोथेसिस वहां पे हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। टेस्टिंग हमेशा की जाती है किसकी, नल की। नल हाइपोथेसिस को आप हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और ये जो नल हाइपोथेसिस को जिसको टेस्ट करना है, जब हम इसको स्टेट करते हैं, जब हम इसको डालते हैं, जब हम इसको बताते हैं, तो ये कभी भी जर्नल फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो ये क्या, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन द जर्नल टर्म्स। जर्नल टर्म्स के अंदर आप कभी भी जो है वो अपने हाइपोथेसिस को जो है वो सेट नहीं करते हैं। चलो जी, 4th नंबर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो बोलता है इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्ड इन क्वेश्चन फॉर्म। जो आपका ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप रिसर्च करें, क्या वो क्वेश्चन फॉर्म में होता है? क्या बात कर रहे हो सर, वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, वो हमेशा किस में होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। बोले तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा 4th स्टेप होता है हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, सेट करना। तो रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी अपना जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज को ढूंढना है अगर उसका ही नहीं पता, उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो फिर बताइए क्या आप खोजेंगे क्या एक्चुअल में। तो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो आपका हमेशा क्या होता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा। अच्छा जी, चलो जी आगे, 5th क्वेश्चन, टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है डेट एक कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, अगर मान लो आपको लगता है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। देखो, कोज एंड इफेक्ट जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो होता है कोज, उसका दूसरा जो है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। बोले तो एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो ये बोलता है अगर आपको कॉन्फिडेंट वे में कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो अगर खोजना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 2 ही वेरिएबल को लेके चलेंगे, इनके अलावा कुछ और वेरिएबल भी होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उन सब वेरिएबल को आपको जो है वो कंट्रोल करना होता है। तो इसको बोलते हैं अगर कॉन्फिडेंट होना है टू ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में, अगर आपको चेक करना है कि क्या एक्चुअल के अंदर 2 अलग अलग वेरिएबल में कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, तो टू परफॉर्म ए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और वो किसने नेचर का, कंट्रोल नेचर का। बोले तो जितने भी एक्सट्रेनियस नेचर के वेरिएबल हो, चाहे वो एक्सट्रेनियस हो चाहे वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो, उन सब के इंपैक्ट को आपको जो है स्टेबल रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, 5th का सी। चलो जी,
सिक्स क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये, आपको यहां पे बता रखा है कुछ इंटरव्यू और उसके कुछ मीनिंग, तो आपको जो है वो मैच करके बताना है। सबसे पहला है जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अगर मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर, देखो दो तरह का मैंने आपको कितना सिंपल हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर जिसमें एक पूरा फॉर्मेट रहेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहेगा, उसी को अपने को फॉलो करना होता है, और एक होता है अनस्ट्रक्चर जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके अंदर बेसिकली क्या प्री डिटरमाइंड जो है वो क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके अंदर जो है वो क्या आपको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, फोकस इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसके अंदर जो है वो क्या हमारा अटेंशन होता है किसके ऊपर, ऑन क्वेश्चन टू बी आंसर, जो भी क्वेश्चन जिसका आंसर दिया जाना है उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रहता है, अटेंशन रहता है, उसको बोलते हैं फोकस इंटरव्यू। एंड लास्ट इज अ क्लिनिकल इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके अंदर जो है हम लोग करते हैं क्या इंडिविजुअल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों के द्वारा किया जाता है, कौन सा क्लिनिकल इंटरव्यू। तो इसका आप थोड़ा इस तरीके से जो है इसको मैच करेंगे। चलो, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है ए। आगे बोलता है वी यूज अ फैक्टर एनालिसिस, हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, फैक्टर एनालिसिस एक टर्म है जिसको किया जाता है क्या चेक करने के लिए, अलग अलग जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं क्या फैक्टर एनालिसिस। वी यूज द फैक्टर एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल, कई सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस को खोजने के लिए हमारे द्वारा किया जाता है क्या फैक्टर एनालिसिस। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया रिसर्च हाइपोथीसिस आर, अगर बात करेंगे रिसर्च के हाइपोथीसिस का तो ये क्या है, रिसर्च हाइपोथीसिस आर ए रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च, क्या ये करंट रिसर्च का कोई रिव्यू है, क्या बात करो ऐसा नहीं है। दूसरा रिसर्च हाइपोथीसिस आर स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्टेड, जिसका पहले प्रिडिक्शन लगा लिया, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, बिल्कुल सही यही होता है। दूसरा इट इज स्टेटेड सच दैट दे आर टू बी कंफर्मड और रिफ्यूटेड, इसको इस तरीके से स्टेट किया जाएगा या तो ये कंफर्मड होगा या फिर क्या होगा रिफ्यूट होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है उसी की अपने को करनी पड़ती है टेस्टिंग, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या गया डी, बोथ बी एंड सी। चलो जी आगे बोलते हैं ए गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छा हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छा हाइपोथेसिस में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छा हाइपोथेसिस वो है जो फॉर्मुलेट किया गया इन सच ए वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, बिल्कुल सही बात है, रिसर्च हाइपोथेसिस में ये फीचर तो होना ही चाहिए कि वो इस तरीके का हो जिसकी टेस्टिंग पॉसिबल हो। दूसरा इट इज प्रिसाइज स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट, नोन फैक्ट सर अगर नोन ही है, अगर कोई फैक्ट अपने को पहले से पता ही है तो नेचुरल बात है उसके लिए हाइपोथेसिस क्रिएट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अननोन फैक्ट के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, जो चीज पहले प्रूव ही हो चुकी है, नोन हो चुका है, तो उसके लिए आप हाइपोथेसिस कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये आपका गलत है। एंड गुड हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड स्कोप, नहीं सर लिमिटेड स्कोप वाला नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा ए। चलो जी आगे नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड, इनमें से किस तरह की स्टडी में आपको फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है यार हिस्टोरिकल, क्योंकि हिस्टोरिकल के अंदर सब कुछ पहले हो चुका है तो वहां पे अपने को जो है वो हाइपोथेसिस सेट करने की जरूरत नहीं है कि चेकिंग या एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हर चीज पहले से हो चुकी है। चलो जी आगे Which of the following is an advantage? इनमें से कौन सा जो है वो advantage है किसका? Of stating the hypothesis. अगर आप hypothesis को पहले से क्या कर देंगे? State कर देंगे तो उसका advantage क्या? उसका advantage है it force the researcher. अगर hypothesis set होगा तो researcher को मालूम है कि मुझे क्या चीज test करनी है, तो researcher के mind में stimuli generate होता रहेगा क्या? To think more deeply and specifically about the possible outcome of the study. Okay? चलो आगे नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर बेस्ड ऑन, अगर बात करूंगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी का तो इसके अंदर हम क्या करते हैं सर, पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दो अलग अलग वेरिएबल बोलते हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में हम क्या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं रिलेशन। तो बोलता है द एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है किसके ऊपर मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करते हैं मैनिपुलेशन करते रहते हैं, बोलते चेंज करते रहते हैं और उस चेंज का इंपैक्ट हम चेक करते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। चलो जी चलो आगे बढ़ो, अगला 13th क्वेश्चन आपका आज का है जी होमवर्क, ये क्वेश्चन जो है वो ये है द बिहेवियर दैट इज मेजर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किस बिहेवियर को मेजर किया जाता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इज नोन एज, तो वो आपको देखना है थोड़ा सा, आप देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो जी आगे जर्नलाइज कंक्लूजन ऑन द बेस ऑफ द सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, जो जर्नलाइज कंक्लूजन होते हैं सैंपल के बेस पर आपने कुछ कंक्लूजन निकाला उसको क्या बोलते हैं, सैंपल के बेस पर
देखो एक तो होती है ये, इसको बोलते हैं हम लोग पूरी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पॉपुलेशन के होते हैं पैरामीटर, और पॉपुलेशन का एक हिस्सा जिसको जिसपे आप स्टडी, देखो 100 बंदे थे टोटल, 100 बंदों की स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं सैंपल ले लेते हैं। तो हमने इन 100 बंदों में से 10 लोगों का सैंपल ले लिया। ये 10 लोगों का जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैंपल। तो ये पॉपुलेशन का ये क्या है, पार्ट है, जो पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं उसी तरह सैंपल के भी पैरामीटर हैं, लेकिन उनको बोलते हैं सैंपल स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? सैंपल स्टैटिक्स। ओके, हां जी सर। तो ये क्या बोलते हैं, देखो जनरलाइज कंक्लूजन, जो कंक्लूजन आपने जनरलाइज कर दिए हैं ऑन द बेस ऑफ द सैंपल, सैंपल के बेस पर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस। अब ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो सैंपल का जो होता है ना, सैंपल के जो कंक्लूजन होते हैं उनको बोलते हैं सैंपल का स्टैट। क्या बोलते हैं? सैंपल का स्टैटिक्स। तो ये सैंपल के जो स्टैटिक्स है, इसी को तो आपने क्या किया, यही तो रिजल्ट है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट, अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, लेकिन ये भी कई बार टेक्निकल बन जाता है। बोलता है एक ऐसा प्रोसेस, प्रोसेस मतलब एक स्टेप रहेंगे ing जो कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं किसको, ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन है, ये मेरी क्या है, एक पॉपुलेशन है, इसका एक सबसेट मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। पॉपुलेशन के अंदर से जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैंपलिंग। क्या बोलेंगे? सैंपलिंग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हियर सम पीपल हैव ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। एक ऐसा ऐसा सैंपलिंग का मेथड जिसमें कुछ लोगों के सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा हैं। बोले तो देखो हम पढ़ते प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, तो हम यहां वहां पे ये बोलते थे कि अगर सभी लोगों के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और अगर कुछ लोगों के ज्यादा चांसेस हैं, कुछ के नहीं है, मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ गई है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या बोलेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से कौन से टर्म है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है डेटा को, दैट वर ओरिजिनली कलेक्टेड एट एन अर्लियर टाइम, पहले किसी ने कलेक्ट किया था बाय डिफरेंट पर्सन फॉर ए डिफरेंट पर्पस के लिए। एक बंदे ने कभी पहले कभी डेटा को जो है वो क्या किया था, कलेक्ट किया था, डिफरेंट पर्सन ने किया था, डिफरेंट पर्पस के लिए किया था, और अब अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो डेटा कौन सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सर क्या बात करते हो, किसी और के द्वारा कलेक्ट किए डेटा को हम अगर मान लो यूज करते हैं तो वो डेटा जो हमारे द्वारा यूज किया गया इज नोन एज अ सेकेंडरी डेटा। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे The act of publishing, question है, the act of publishing, एक ऐसा काम जिसमें आप क्या करें, publish करें same data and result in more than one journal or publication, it refer to which of the professional issue, ये क्या है, ये दिक्कत क्या है, इसको बोलते हैं duplicate publication। क्या बोलेंगे? duplicate publication। आगे फिर है जी, why is it important, ऐसे ये क्यों important है, that personal data about the research participants be kept within the secure confidential record। हम लोगों ने research ethics पढ़ा और उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि personal data जो होता है उसको आपको हमेशा जो है वो maintain करके चलना चाहिए। ये क्या है, मतलब उसको जो है वो कभी confidential data जो है उसको कभी भी disclose नहीं करना चाहिए। ये क्या है, मतलब data जो personal data है उसमें confidentiality को maintain करना चाहिए। ये क्या चीज़ है, ये है जी हमारे कुछ रिसर्च के प्रिंसिपल जिसको अपने को फॉलो करना चाहिए। एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो अपने को रिसर्च करते हुए फॉलो करना चाहिए। तो बोलता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट पर्सनल डेटा अबाउट द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स बी केप्ट विद इन द सिक्योर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो ये टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ द रिसर्च एथिक्स। आगे लास्ट क्वेश्चन आज का वो है द डिग्री टू विच रिजल्ट, अब ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिग्री टू विच रिजल्ट ऑफ द स्टडी का रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड, जिसको लगाया जा सकता है टू अदर सेटिंग, अदर फिनोमिना, अदर घटना के अंदर और कंडीशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं। अगर ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, द डिग्री टू विच, एक ऐसी डिग्री तक जहां पे टू विच रिजल्ट जो है, एक स्टडी का जो रिजल्ट है कैन बी एक्सटेंड, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है टू अदर सेटिंग और कंडीशंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजिकल, अलग अलग जगह पर। इकोलॉजी का मतलब क्या, अलग अलग इकोलॉजी के अंदर हम लोग जो है जब इसको लगा सके, तो इसका मतलब ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हर जगह जो है वो लग सकता है। देखो जनरली जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ चीजें हम कॉन्स्टेंट मानते हैं,
ठीक है, और हम ये बोलते हैं कि ये अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो रिजल्ट हमेशा ये आएगा, लेकिन अगर सिचुएशन में चेंज होगा तो रिजल्ट ये नहीं आ सकता। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा कोई आपने स्टडी कर दिया कि सिचुएशन भी चेंज हो जाए तो भी, देखो जैसे मेरी बात सुनो, जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि जब गर्मी पड़ेगी तो एसी की डिमांड ज्यादा होगी और सर्दी के अंदर एसी की डिमांड नहीं होगी, एक नॉर्मल ये एक फिनोमिना है। तो फिनोमिना क्या है, जितनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी उतना एसी का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज खोज लो जिसमें गर्मी हो चाहे सर्दी हो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, लाइक मान लो मैं बोलता हूँ गेहूं, अब गेहूं के खपत के ऊपर जो है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो सेम इंपैक्ट पड़ रहा है मान लो, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल जनरलाइजेबिलिटी, कि अलग अलग इकोलॉजी के अंदर भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है। आपके द्वारा जो रिसर्च की गई है वो अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में या अलग अलग स्टेट ऑफ सिचुएशंस के अंदर जो है वो अप्लाई हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजिकल जनरलाइजेबिलिटी। ओके हाँ जी सर, तो ये हुआ जी आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज 20 क्वेश्चंस की रिसर्च के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। हाँ जी सर, और सर जो कल आपने हमको एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 17, उसके बारे में तो बताओ हमारा आंसर सही था क्या। हमने सर कमेंट भी किया था भाई, फर्स्ट टाइम मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा इन द सेंस ये लगा कि जितने भी कमेंट आए मेजोरिटी क्या मैं ये कहूंगा 99.99% बच्चों का जो है वो आंसर क्या आया, सही आया इसके अंदर। तो ये कुछ था एक्सपो, ये अपने को रिसर्च मेथड था और यहाँ पे इनका फीचर था, इसके बेस पर बताना था कि इसका आंसर जो है वो क्या है, तो इसके बेस पर जो है वो रिजल्ट जो निकला वो है इसका आंसर डी, जो आप लोगों ने सही बताया है बिल्कुल एकदम करेक्ट, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, डी है। ओके हाँ जी, और जो करेक्ट आंसर बताने वाले जो लोग हैं वो हैं कुछ हमारे ये, यहां से शुरू करते हैं, दीपांशी कौशिक, हेलो रोल मॉडल टेक लाइव सेशन विद, एक ना ये बहुत सारे बच्चों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है कि सर लाइव क्लास का जी बिल्कुल जल्दी ही, होप सो शायद संडे को आप जो है वो लाइव क्लास करेंगे, ठीक है जल्दी हम लोग जो है उसका मैं नोटिफिकेशन आपको डालूंगा और आप मिलेंगे फिर आप, ठीक है फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे आप, तो लाइव क्लास हम जल्दी करने वाले हैं। ओके, और फिर डिंपल गर्ग जी का है, उनका भी सही है, रिचा राज का भी सही है, इनफैक्ट अब तो ये देखना पड़ेगा कि गलत किसका है, गलत सीरियसली बताऊं मैंने बहुत देखा और किसी का भी जो है सभी बच्चों का जो है वो आंसर जो है वो क्या आया, सही एकदम करेक्ट आंसर जो है वो आया है, तो सही है, मुझे लगता नहीं कि किसी भी बच्चे का जो है वो गलत होगा, सबका ही डी, ये भी डी, मेजोरिटी डी है, सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया आपने, आंसर जो है एकदम करेक्ट बताया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। और चलो ये हो गया अपना आज की रिविजन सीरीज, कल मिलेंगे 20 नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड विद अस, और साथ में मेन बात ये कि रिवीजन के ऊपर पूरा पूरा फोकस करते रहिएगा, जो काम हो गया उसको बढ़िया बढ़िया दोबारा से रिवाइज करते रहें ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। ओके हाँ जी, और अगर आप लोग जो है वो जून 2020 के अंदर जो पेपर होना है एनटीए नेट का, चांसेस कम लग रहे हैं बट अगर होगा तो देखते हैं क्या, मतलब अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सारी वीडियोस, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी है, प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियो भी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और डेमो के लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप वहां पर जाके हमारे ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से आप वहां पर देख सकते हैं। ओके हाँ जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी, तो चलो ये कीजिए, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।